और बहुत दिन बाद आज मैं लॉन्ग वीडियो बना रही हूँ, तो ये जाते हैं उसके बाद हम क्या क्या धमाल करेंगे वो सब कुछ मैं दिखाती हूँ। ये देखो मेरे पीछे में ये है मेला, अभी मैं बैक कैमरा से दिखाती हूँ आपको क्या है। तो यहाँ पे देख सकते हो ये जा रहा है और इसके साथ में वो भी जा रहा है। अभी हम लेंगे यहाँ पर टिकट, टिकट सर वही है ना सामने का, यहाँ से टिकट लेते हैं उसके बाद चलेंगे हम सामने। तो यहाँ पे हमको हमारा टिकट मिल गया है। तो गाइस अभी हम जाते हैं मेले से अंदर, आ जाइए बंद कर लो ऐसे। तो गाइस यहाँ से हम जाते हैं अंदर, आ जाओ। तो गाइस फाइनली यहाँ से हम एंटर कर रहे हैं, अभी नीचे देखते हैं, नहीं तो नीचे फटक से गिर जाऊंगी मैं, पोपट हो जाएगा मेरा यहाँ से ना। तो यहाँ पे हम जाते हैं अंदर मेले में, पहले ये वाला देखते हैं अभी, क्योंकि रिटर्न मारने का अपने को टाइम नहीं मिलेगा बहुत। तो बहुत सारे फुटवेयर कलेक्शन एंड इधर ये कितने वाला सेलर है, जोया घर संसार बाजार। हाँ मेरे मिनी ब्लॉग के लिए भी, मिनी ब्लॉग के लिए कितने का माल है यहाँ पे, ये देखो गाइस यहाँ पे बहुत सारा कोई भी टॉयज। नहीं 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 100, कोई भी लो 100, कोई भी लो 100, ये हर एक माल 10 रुपए। यहाँ पे आपको पूरे घर के सामान मिल जाएंगे हर एक। ये लोग अभी अपने घर के लिए सामान लेंगे, बेचारे घर के काम करते हैं बहुत ज्यादा। ना दिखता वहां हम चल, अरे ये नहीं मेरे को डायरेक्ट वाला चाहिए। ठीक है देखोगे जूस पी के दिखा रही है। ये तिजोरी इसमें से निकलेगा। और गाइस यहाँ पे बहुत सारे गेम दिखेंगे आपको। ये कौन सा गेम है, रुक जा, रिंग। ये है गाइस रिंग वाला गेम, इसमें आपको रिंग डालना है और जो भी आपको फंसेगा, असली नोट है ना वो, नकली है, असली है रे, अरे नकली है, नकली है ना, हाँ नकली है भैया, नकली है ना भाई, वो नकली असली मिलता है। तो यहाँ पे अपने को रिंग डालना पड़ता, कितना रिंग डालना पड़ता भैया, कितना रिंग डालना पड़ता, जितने रिंग डालेंगे उतने मिलेंगे, नहीं कितने पैसे का, 30 रुपए में 6 बार ये डालना पड़ता। हाँ और ये गेम है, ये कौन सा गेम है, इसमें क्या करना पड़ता भैया, देखो वो 8 नंबर रहा, हाँ तो अपने 6 बॉल में 8 बराबर नंबर बनने को होना, मतलब ये पूरे बॉल डालेंगे तो उसमें घुसने को होना। सैंपल दिखाऊं क्या, नहीं नहीं मत दिखा, चल फिर वो जो भी फंसेगा वो मिलेंगे अपने को। देखो अपने 6 में देखो अगर, और यहाँ पे ये वाला झूला, और जलपट्टी वाले में एक अपना वीडियो है वो वाला बनाने का, ठीक है झूला में डाल जो भी अपना गेम चालू होगा भाई। हाँ ये वाला झूला दिखाती मैं बच्चों का, ठीक है भाई। तो गाइस अभी आप देख सकते हैं ये वाला फिसल पट्टी, देखो यार ये बचपन में ना हमको बहुत इच्छा होती थी वो वाला वीडियो, नहीं कि तब हमारे पास पैसे नहीं थे, अब पैसे तो एक नहीं है हमारे बैठने के लिए, वैसा सिस्टम है यहाँ पे। और मेला बहुत ही ज्यादा अच्छा है वैसे, पता है क्या, ये चांदा क्लब ग्राउंड में है, आप चाहो तो आ सकते हो चंद्रपुर में, एक बार आके जरूर विजिट करो आप। इसका नाम क्या है रे मेले का, उत्सव मेला, हाँ इसका नाम है उत्सव मेला, चांदा पब्लिक ग्राउंड में लगा है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर बहुत सारे झूले हैं, मैं आकाश झूले में नहीं जाऊंगी क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है, वो मेरे बस की बात नहीं है। हाँ ये दोनों जाने वाले हैं और मैं ये छोटे बच्चे के झूले में बैठने वाली हूँ अभी, लेकिन मेरे को बैठाएंगे नहीं, ये हाँ कौन सा मिशन है फिर, अभी अभी इनको बैठना है। ये देखो गाइस फाइनली ये वाले आकाश झूले में अभी हम बैठ, तो गाइस अभी फाइनली ये दोनों जा रहे हैं आकाश झूले में। ये देखो ये जो पीछे स्टार्ट हो गया है यहाँ पे तो सही, और मुझे बहुत ज्यादा डर लगता गाइस, तो मैं यहाँ पे नहीं जाने वाली हूँ, बस ये दोनों जाने वाले हैं। तो अभी आप इनका रिएक्शन देखना कि क्या होगा, वैसे तो इनको डर लगता नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन फिर भी इनका रिएक्शन हम देखते हैं अभी क्या। गाइस यहाँ पे देखो आकाश झूला ऐसे चालू है ना, मुझे तो इतना डर लगता है इसको देख के। और इधर देखो ये दूसरा वाला झूला, उससे भी डेंजर, ये वाला तो बापा बापा, ये देखते ही मेरे को डर लगता है, ऊपर से नीचे आता है बहुत ज्यादा। तो गाइस अभी ये दोनों जा रहे हैं उधर, मैं उधर ही जाके दिखाती हूँ, रुक जाइए। ए इधर से दिखा, इधर है इनकी लाइन, अभी इन लोग जा रहे हैं लाइन में। प्रतीक प्रतीक
ये देखो गाइस इनको। गाइस फाइनली इनका आकाश झूला चालू हो गया है। देखो इन लोग है कहाँ पे, लेकिन देखो सबसे ऊपर से आ रहे हैं। मैं जूम करके दिखाती हूँ, ये देखो ये वाली सीट पे। तो गाइस फाइनली इन लोग आ गए हैं अभी। और तुम्हारा एक्सपीरियंस बताओ रे कैसा रहा? एकदम जबरदस्त जबरदस्त, पैसा वसूल है, पैसा वसूल। कितने रुपए टिकट था? मजा आ गया, पूरी बैग खाली हो गई। अभी पता है कि तुमको फिसल पट्टी में बैठाऊंगी, जो पीछे दिख रहा ना उसमें, पर तुम ना घस रहे हो अभी जाके। नहीं नहीं कनेक्ट किए ना वाईफाई। तो गाइस अभी हम जाते हैं भाई वाइफ। और गाइस इधर देखो ये वाला झूला देखो, ये बचपन की याद है अपनी। हाँ, और यहाँ पर है ड्रैगन वाला झूला। तो गाइस अभी इन लोग लेने जा रहे हैं बुड्ढी के बाल। जवान लोग भी खाते हैं बुड्ढी के बाल बुड्ढे बनने के लिए। भैया कितने का है ये? 30 रुपए वाला बुड्ढी का बाल, पिंक कलर। तो अभी ये वाला लेंगे एंड इसमें बनेगा गाइस, देखो इसमें बनेगा। ठीक है मैं दिखाती हूँ आपको कैसे बनेगा। तो गाइस फाइनली इनका बुड्ढी का बाल आ गया है, आ गया है इतना बड़ा बुड्ढी का बाल। अभी मैं इसको खाके दिखाती हूँ। तो गाइस अभी बुड्ढी का बाल अभी हम नेक्स्ट ट्राई करने वाले हैं। यहाँ पर स्मोक पान मेरा मोस्ट ऑफ द फेवरेट। चलो ठीक है, यहाँ पर कौन कौन से पान है भैया एक बार बताओ आप हमको। स्मोक पान है। हाँ हाँ हाँ, सबसे बेस्ट कौन सा है? एकदम अच्छे से निकलना चाहिए। हाँ क्या फिर मेरा वीडियो वायरल हो जाएगा? टर्किश वाला। अरे अरे अरे, यहाँ पर हमारे यूट्यूबर भाई मिल गए हमको एक। गाइस अभी अभी मैंने ये वाला जो स्मोक पान है वो मैं ट्राई की हूँ, और ये वाला वीडियो आपको इंस्टाग्राम में मिल जाएंगे। उसके लिए आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी फॉलो कर लेना, चांदनी धनकर 34, ये है मेरी इंस्टाग्राम आईडी। और वहाँ पे आपको बहुत अच्छे अच्छे वीडियो मेले के देखने मिल जाएंगे। तो अभी हम पान वाले भैया से मैं बात करवाती हूँ आपकी। ओके हाँ, तो भैया आप बताइए कि आप कहाँ कहाँ जाते हैं ये स्मोक पान वाला जो आपका स्टॉल है वो लेके? अच्छा, अब अगर आप नागपुर के हो मतलब? जी नागपुर के। हाँ नागपुर के। अच्छा, और हमारे मेला जो है नागपुर में हर जगह पे जाते रहते हैं। हाँ हाँ, तो हमारा मेला वहाँ लगते हैं, खास करके हमको बोलते तो आप रहो हमारे मेले से, यहाँ पे अच्छा शो वगैरह हो जाता है। हाँ हाँ, क्योंकि भैया जब स्मोक पान खिलाते तो बहुत अच्छी कलाकारी दिखाते, तो इनके वजह से कैसा पॉपुलरिटी और बढ़ जाती है, मतलब अट्रैक्शन जो रहता है मेले का वो दुगना हो जाता है। और भैया ने बहुत ही अच्छा कलाकारी दिखाया, वो इंस्टाग्राम पे आप वीडियो देखना। और भैया का यूट्यूब चैनल है, आपका यूट्यूब चैनल का नाम? मोहम्मद अल फरहान। हाँ, तो इनको आप सब्सक्राइब कर लेना और मुझे भी सब्सक्राइब कर लेना थोड़ा, एंड हाँ डिस्क्रिप्शन पे मैं लिंक डाल दूंगी। तो भैया से मिलकर बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा, थैंक यू सो मच भैया। ये भैया बेचारे इतने अच्छे हैं कि ये बोल रहे हैं कि हमसे पैसा चाहिए ही नहीं, क्योंकि ये हमारे फैन निकले। तो ये भैया बोल रहे हैं कि नहीं हम आपसे पैसा लेंगे ही नहीं करके, क्योंकि ये हमारे फैन निकल गए। तो ये बोल रहे हैं हम अपने फैन से पैसा कैसे लेंगे करके। नहीं नहीं, लेकिन नहीं नहीं भैया सुनो सुनो, वो बात सही है, लेकिन आप नहीं नहीं वैसे कोई बात नहीं। ओके भैया बाय बाय, मिलते हैं कभी नागपुर आएंगे ना तब आपसे जरूर मिलेंगे। बाय बाय। तो अभी गाइस हम जाते हैं आगे, क्योंकि मुझे और वीडियोस वगैरह बनाने हैं। मैंने अभी बाकी मेले घूमे ही नहीं, यहाँ पे टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, 10:30 हो गए हैं रात के। गाइस हमको इतना ज्यादा टाइम हो गया ना कि हमको खाने का टाइम ही नहीं मिला वीडियो वगैरह के चक्कर में, एंड अरे अभी से भाई नहीं वीडियो के चक्कर में, एंड पता है क्या हमको बहुत सारे शूट करने थे उसके वजह से। तो अभी हम ना बाहर जाके खाने वाले, क्योंकि ये दो भुक्कड़ों को नहीं खिलाऊंगी ना तो दोबारा ये मेरे साथ आएंगे नहीं वीडियो बनाने के लिए, इनका पेट भरना पड़ता कि नहीं तभी तो इन लोग आएंगे भाई।
फोकट में नहीं आते, इनकी शक्ल ही सिर्फ गोली दिखती, इनके जेब में पहले भरना पड़ता तब जाके इन लोग आते मेरे साथ में। ऐसी है, मैं अपना बात क्या बताऊँ अभी आपको, घर की बातें अभी क्या बताऊँ। इधर यहाँ पर देखो गाइस, छोटे छोटे बच्चों के भी, और पता है हमको इतना टाइम हो गया है ना, यहाँ पे अभी 11 बजने वाली है, तो सब चीज जो है ना यहाँ पर गेम्स वगैरह बंद हो गए यार, इसलिए हमने उतना ट्राई नहीं कर पाए। तो फाइनली गाइस अभी हम जा रहे हैं बाहर, पता है पूरे 11 बज चुके हैं यहाँ पे, तो पूरे स्टॉल अभी बंद होने के इसमें आ गए हैं। उधर भी देखो पूरे झूले वगैरह सब बंद हो गए हैं, पीछे भी देखो आगे भी देखो सब तरफ देखो। तो आपको ये वाला वीडियो कैसा लगा बताना, अगर आपको घूमना है ना तो आप चांदा पब्लिक ग्राउंड में आके ये विजिट कर सकते हो, आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। और इधर बाकी के गेम्स मैं दिखाती हूँ, आओ आओ। ये कौन सा गेम है, ये वाला गेम तो हम अभी देख रहे हैं क्योंकि इस साइड हमारा घूमना ही नहीं हुआ। पिकाचू ये कौन सा वाला गेम है, मतलब अपन बॉल डालेंगे पूरा बॉल जाएगा तो मिलेगा, नहीं अरे नहीं मिलता चुतिया बना दे। ड्राई फ्रूट नहीं है यहाँ पे, क्या है लेकिन ये नहीं, वो उधर देखो क्या है, राजस्थानी चटपटा पाचक बाबा जी चूरन गोली एवं मुखवास, ये इतना सब कुछ है इसमें, पूरे कलरफुल ट्रॉफीज। और इधर है इयर रिंग्स, सो ब्यूटीफुल सो एलिगेंट, वो वाला वीडियो बना था। और यहाँ पर है शूज, यहाँ पर छोटे बच्चों के भी, बड़े बच्चों के है, लड़कों के नहीं ये लगता। सलाद है, सलाद कौन खाता लेकिन यहाँ पे, यहाँ पे कोई नहीं खाता। तो आप ये इतना सारा काटे ना, अच्छा मतलब वो आपने ट्रायल दिखाए, अच्छा अच्छा, कभी कभी चलती नहीं। और यहाँ है टॉयज बहुत सारे, नहीं रे अभी नहीं, इसके लिए फिर बाद में आना पड़ेगा, हम जब भी आते ये ट्राई करते लेकिन आज बंद हो गया, हमारी किस्मत नहीं थी खानी, इसलिए मैं बोली थी तुमको रिटर्न आने, इधर मिलेंगे ही नहीं, फटाफट से पहले ही देख लो। और यहाँ पर ना गाइस बहुत सारे आचार हैं, अब इसमें से क्या क्या का नाम लूँ, ये मिर्ची है वो दिख रही मुझे, और नींबू, और वो क्या है, कुछ तो फ्रूट्स का है, वो आंवला है, मुरब्बा ये अचार वाला स्टॉल है गाइस। यहाँ क्या है, राजस्थानी अचार, मतलब ये सब राजस्थान से है क्या, वो भी राजस्थान वाले ही है। और ये सब यहाँ पे आपको देखने मिलेगा, और ये बबल्स। सो फाइनली गाइस यहाँ पे हमारा मेला घूमना खत्म हो चुका है, और हमें मेला घूम के बहुत ही ज्यादा मजा आया। अगर आपको भी मेला में घूमने हैं तो आप चांदा पब्लिक ग्राउंड में एक बार जरूर आना ये मेला विजिट करने के लिए, आपको भी बहुत ज्यादा मजा आएगा। और ये वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे ना तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करो गाइस, ताकि मैं और अच्छे अच्छे वीडियो बनाऊं, और आप मुझे सजेस्ट करो कि मुझे कैसे टाइप के वीडियो बनाने चाहिए। तो आज के वीडियो को यही पे द एंड करते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और तब तक के लिए आप ना मेरा चैनल सब्सक्राइब करके रखो, ताकि आने वाली न्यू वीडियो की आपको अपडेट मिलती रहे। तो बाय बाय, लव यू ऑल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।